भारत में आरक्षण की शुरुआत 1902 में महाराष्ट्र से हुई। मकसद यही था कि ऊंच नीच अमीरी गरीबी की जो ऊबड़ खाबड़ जमीन है उसको किसी तरह से समतल किया जा सके, लेकिन वो मकसद आज घातक आंदोलन का रूप ले चुका है। आज का मसला यही है, सवाल यही है कि हमारे लिए आखिर आरक्षण कितना ज़रूरी है? क्या ये इतना ज़रूरी है कि पूरा देश बंद कर दिया जाए? क्या ये इतना ज़रूरी है कि लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, उनके घर दुकान जला दिए जाए? या फिर ये आरक्षण सिर्फ नेताओं का हथियार बन गया है जो उनके वोट जुटाने के काम आता है? सवाल यही है और इस पर राय जानेंगे आवाम की। नौजवान से जुड़ा हुआ मसला है आरक्षण। आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अलग अलग राय है सबकी, पर आरक्षण से जुड़े हुए दंगे होने चाहिए या नहीं, ये सवाल बहुत अहम है। इसी का मैं जवाब जानना चाहूँगा कि आरक्षण को लेकर जो आंदोलन होते हैं, दंगे होते हैं, सड़कें बंद कर दी जाती हैं, लोगों को मार दिया जाता है, दुकानें जला दी जाती हैं, कहाँ तक ठीक है? जी देखिए, जहाँ तक दंगे की बात है तो दंगे तो सही है ही नहीं, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, चाहे वो किसी भी मसले को लेकर हो। लेकिन अगर हम आरक्षण की बात करें तो आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बेसिक नीड्स हैं, और जाति के बेस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि SC ST कैटेगरी के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी पोस्ट में लगे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, जनरल कैटेगरी से ज़्यादा अच्छे सोशल उनकी बैकग्राउंड है और उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो उनको अगर वो बेनिफिट मिलता है दैट इज़ रॉन्ग। बट अदरवाइज़ आरक्षण रिजर्वेशन अगर हम इकोनॉमिकल कंडीशंस को देखकर दें तो दैट इज़ फार इनफ गुड। आरक्षण होना चाहिए, पर आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनको ज़रूरत है। आरक्षण अब हर किसी को मिल, जिस व्यक्ति के पास पैसा है और वो ब्लॉक कैटेगरी में है फिर भी उसको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन आरक्षण मिल जो भी नॉर्मल जैसे जनरल का वो व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं, जो सरवाइव नहीं कर सकता, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो उसके लिए प्रॉब्लम है आगे सरवाइव करना, उसके बच्चों के लिए, देश की तस्वीर। आरक्षण के लिए अगर कोई मुहिम आगे करते हैं उनके खिलाफ, जैसे कुछ अगर आरक्षण के विरोध में अगर लगता भी है कि अपन कुछ करना चाह रहे हैं, तो इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि सब कुछ बिगाड़ देती हैं, मतलब कहीं दंगे कराएंगी और दंगे उनसे, जबकि दंगे उनसे कराए जाएंगे जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आरक्षण में। तो मेरे हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, बट उनको मिलना चाहिए जिनको ज़रूरत है। आरक्षण कैटेगरी बेसिस नहीं, आरक्षण इनकम बेसिस होना चाहिए। चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर ये आरक्षण के मामले में क्या जानते हैं और आरक्षण से क्या समझते हैं। आरक्षण जो होते हैं वो गरीबों के लिए होते हैं, जैसे SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, उनको नौकरी मिल जाती है, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। अगर SC ST जो कैटेगरी होते हैं उनके अगर परसेंटेज भी कम होते हैं वो फिर भी नौकरी ले लेते हैं। अगर जनरल कैटेगरी वाले हैं वो अगर उनकी परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा है तो उनको नौकरी नहीं मिल पाती। आरक्षण से यह है कि आरक्षण हटा देने चाहिए गवर्नमेंट सरकार को, जितने भी SC ST कैटेगरी या जनरल वाली सबको उनको एक ही रख लेना चाहिए, क्योंकि सरकार भी बोल देते हैं कि आरक्षण मिलेगा मिलेगा, गरीबों तक मिलेगा, नहीं मिल पाता। SC कैटेगरी वाले और SC ST कैटेगरी वाले आज के टाइम में चंडीगढ़ में अफसर बैठे हैं, जबकि जनरल कैटेगरी वाले कुछ नहीं बन पाते। उनका भी सपना यही है कि मेरा बच्चा भी काफ़ी हाई लेवल पर जाए, लेकिन उनका बच्चा हाई लेवल पर नहीं जा पाता। कितना पढ़े हैं? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अभी क्या उम्मीद है कि अच्छी नौकरी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, कॉन्फिडेंस से कहता हूँ नौकरी नहीं मिल पाएगी। क्यों, मार्क्स अच्छे नहीं ला पाओगे इसलिए? मार्क्स अच्छे आते हैं, हर चीज़ में अच्छा हूँ, लेकिन जो है हमारी कैटेगरी जनरल है उससे मैं कहना चाहता हूँ। भाई आवाम में गुस्सा भी है और बड़ा कॉन्फिडेंस है कि भैया नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप ज़्यादा समझदार हैं, आप समझते हैं, आवाम जो है वो सब जानती है, पर कहीं ना कहीं बदलाव तो ज़रूरी है। चलिए जानते हैं कुछ और लोगों से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आरक्षण एज अ पॉलिसी जब आई थी तब इनको यंगस्टर्स के लिए ही बनाया गया था और वो चाहते थे कि यंगस्टर्स आएँ और अपना हक लेकर जाएँ, ठीक है। पर आज के टाइम में आरक्षण क्या है? आज के टाइम में आरक्षण बेसिकली ज़रूरतमंद जगह है लोगों के लिए, और जो लोग आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग नहीं हैं जिनके लिए आरक्षण पहली जगह पे बनाया गया था। आजकल आप देखेंगे शहरों में आरक्षित लोग बैठे हुए हैं और वहीं आरक्षित लोग, उनके पास वो आरक्षण है और उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ऑफकोर्स वो आरक्षण के साथ उन बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ उनकी सीट्स ले सकते हैं। तो जो बेसिकली सरकार ने ये पॉलिसी जिनके लिए निकाली गई थी वो उसका फ़ायदा उठा नहीं पा रहे, तो फिर
फ़ायदा क्या है इस आरक्षण का? नौजवानों के लिए आरक्षण ज़रूरी है पर ये उन नौजवानों तक नहीं पहुंच रहा जिनके पास वो सुविधा ही नहीं है। जिनके पास वो सुविधा नहीं है यानी कि हर किसी को देने के बजाय क्या है कि आरक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है, क्या ये ठीक है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है उसका तो कोई एथिकल स्टांस में ले नहीं सकता, बट बेसिकली क्या है कि अगर एक पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी ज़्यादा दो पीढ़ी ने उसका फ़ायदा उठा चुके हैं और अब वो इतने सक्सेसफुल हैं या फिर उनके पास इतना कैपिटल है कि वो अपने बच्चे को ठीक से पढ़ा सकते हैं, एक जनरल कैटेगरी के बंदे जितना सुविधाएं दे सकते हैं, तो उस आरक्षण का कोई मतलब नहीं है इनमें, क्योंकि उससे क्या होगा कि डिवाइड ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब वो बंदा अगर किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है किसी जनरल बंदे से, तो वो आरक्षण का कोई सेंस नहीं बनता उस जगह पे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी देख के करना चाहिए कि वो पीढ़ी अब किस पायदान पे है, उसको कितना कमाते हैं। आपको क्या लगता है? मैं इसकी बात से पूरा एग्री करता हूँ कि मुझे भी यही लगता है कि आरक्षण जिन लोगों के लिए बनाया गया था अब वो लोग लाइक उन लोगों को अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उनकी आई थिंक तीसरी या चौथी पीढ़ी है जो आरक्षण का भी फ़ायदा उठा रही है। अगर हम उनकी पहली या दूसरी पीढ़ी की बात करें, उनको आरक्षण की ज़रूरत थी क्योंकि उनके पास तब इतना पैसा नहीं था, तब क्योंकि तब हम लाइक अंग्रेज़ों से जब छूटे छूटे ही थे और लाइक उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया था हमें, तब हमें आरक्षण की ज़रूरत थी। बट अगर हम आज के ज़माने की बात करें, आज है ना, उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उनके पास इतना कैपिटल है, उतना पैसा है, उतना अच्छी जॉब्स बैठे हैं सब लोग, तो अब लगता है कि अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। अब आरक्षण को लाइक उसी लाइक उन्हीं लोगों के लिए होना चाहिए कि कुछ आरक्षण होना चाहिए बट उन्हीं लोगों के लिए होना चाहिए। जो हम ओवरऑल की अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो बच्चों को जो रिजर्वेशन दिया जाता है क्योंकि उनके पेरेंट्स को रिजर्वेशन मिल रहा है, उनके पेरेंट्स जो हैं कैपेबल बन चुके हैं, पर फिर भी उनके बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाता है, क्या ये ठीक है? नहीं, बिकॉज ऐसा होता है कि समटाइम्स इवन देर इज़ अ मूवी कॉल्ड द हिंदी मीडियम की, जहाँ पे लोग स्पेशली अपना आपको मतलब गरीब शो करते हैं सो दैट दे कैन गेट दोज बेनिफिट्स। अगर ये नेगेटिवली यूज़ हो रहा है कि मतलब इवन इफ पीपल ट्राई टू शो कि हम लोग नहीं है उतने केपेबल एंड जस्ट टू गेट दोज बेनिफिट, दैट इज़ रॉन्ग। बट हाँ, इन द केसेज वेयर एक्चुअली इट इज़ बींग यूज, दैट्स फाइन। मतलब नेगेटिव तो उसके इम्पैक्ट्स हैं ही, प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह आते हैं। कभी फेस किया है आपने ऐसा कि कहीं आपको सीट की ज़रूरत हो और कोई जिस जो रिज़र्व है वो सीट ले गया हो, बल्कि आप में वो कैलिबर, वो टैलेंट उससे ज़्यादा था? ऐसा अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि टैलेंट भी कहीं ना कहीं मार खा जाता है इस मामले में? हाँ, मतलब जैसे अगर हम बोलते हैं कि 20 बच्चे कुछ कैटेगरी से आएंगे और 5 बच्चे उन रिज़र्व के लिए, तो वो 5 बच्चे वो अलग कैटेगरी से हो सकते थे नॉर्मल कैटेगरी से। कितना लगता है कि रिजर्वेशन से, क्योंकि कहा जाता है कि 1902 में रिजर्वेशन की शुरुआत की गई थी मुंबई के महाराष्ट्र से, और आज आज़ादी के इतने साल बाद भी क्या लगता है कितनी देश की तस्वीर रिजर्वेशन के नज़रिए से अगर देखी जाए कितनी बदल पाई है? मतलब एज अ टॉपिक रिजर्वेशन पे इतनी बात की नहीं जाती है, जैसे हम अभी 2016 से बहुत चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन एज अ होल टॉपिक को उठाया नहीं जाता कभी भी, बिकॉज everyone tries to keep a mum and doesn't want to speak on this topic। लेकिन आई बिलीव कि अर्बन एरियाज़ में और कुछ में थोड़ा चेंज आया है, बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट। थोड़ा चेंज आया है पर उतना नहीं जितना आना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन से कितना बदलाव आया है, कितना चेंज आया है? मुझे लगता है कि रिजर्वेशन इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे तो काफ़ी अच्छा रहा इसका रिज़ल्ट, बिकॉज जिन लोगों को ज़रूरत थी उन्हें एक्चुअली दिया गया। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब एक जनरेशन उसी फैमिली की रिजर्वेशन स्कीम के अंडर अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं, आई बिलीव दो जनरेशन आर मोर देन सफिशियंट टू गेट द बेनिफिट्स, बिकॉज एक बार एक जनरेशन स्टार्ट करती है अगली उसे कैरी ऑन करती है, उसके बाद थर्ड जनरेशन तक इंसान इतना केपेबल हो जाता है कि वो बिना रिजर्वेशन के अपने लिए अगर कुछ करना चाहे तो कर सकता है। सो आई बिलीव ऐसे लोगों को जिनकी ऑलरेडी दो जनरेशन से ज़्यादा हो चुकी हैं उन्हें रिजर्वेशन स्कीम से बाहर कर देना चाहिए। लड़कियों के लिए जो आरक्षण है, लड़कियों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ उनके मौके नहीं छीनने चाहिए, उसके अलावा वो अपने आप को प्रूव करने की खुद से ताकत रखती हैं। तो बिल्कुल, अपने आप को प्रूव करने की वो ताकत रखती हैं, पर ज़रूरत है उन्हें मौके देने की। वो मौके वो खुद ले सकती हैं, बस उनका साथ देने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं टैलेंट जो है वो मार खा जाता है जब आरक्षण की बात सामने आ जाती है? जी हाँ, ये तो मतलब है कि टैलेंट तो पीछे रह ही जाता है, क्योंकि अगर 50% पूल उनका होगा दूसरे रिजर्व कैटेगरी का, तो वो 50% में एक्चुअली जनरल कैटेगरी होनी चाहिए, मतलब हो सकती थी। वो बच्चे जो उनको सीट डिज़र्व करते थे उनको वो नहीं मिला, उनको उससे नीचे से सेटिस्फाई होना पड़ा। और जो आप दूसरी बात कर रहे थे
कि जो हमारे साथ बच्चे पढ़ते हैं वो जो दूसरी कैटेगरी के हैं उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन सब अच्छी जगह अच्छे ऑफिस में काम करते हैं, बहुत वो बहुत अमीर हैं, और हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं उनको ज़्यादा फाइट करना पड़ता है, उनसे भी ज़्यादा, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो इसका थोड़ा सा वो करने की ज़रूरत है, मतलब इसको मोल्ड चेंज करने की, थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है इसमें। ओके, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो है, चाहे हम बात करें मराठा आंदोलन की या किसान आंदोलन की या फिर जाट आंदोलन की, आंदोलन बहुत हुए हैं और लगातार अभी भी चल रहे हैं, तो क्या आंदोलन के बलबूते पर किसी को मार देना सही है, उसके घर को आग लगा देना जो आंदोलन का विरोध कर रहा है, क्या वो सही है? सी हमारे यहाँ कहा जाता है कि वायलेंस कैन नॉट कट वायलेंस, तो अगर हम ये कर रहे हैं कि हमें बहुत शांतिपूर्वक उसका विरोध करना चाहिए। अगर एक प्रोटेस्ट हो रहा है हम उसके खिलाफ एंटी प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि हम अपनी यूनिटी दिखाएं और हम प्रूव करें उन्हें लॉजिकली कि आप कहाँ पे गलत हो। मतलब ये नहीं है कि अगर वो सारे एकदम मेजॉरिटी में आ गए तो हम मान लें कि हाँ मान जाओ इनकी बात। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो हमें भी उसके खिलाफ स्टैंड अप करना चाहिए, और अगर कोई बुरा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बुरा करना शुरू करें, तो वो किसी के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं सेट कर सकता किसी भी वे में। तो किसी के साथ गलत करना, चाहे वो गलत है, मैं इस विचार के सख्त खिलाफ हूँ। तो आपको लगता है कि ये जो आंदोलन होते हैं इस तरीके से, जो इतने उग्र हो जाते हैं, इतने घातक हो जाते हैं, क्या ये ठीक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई मासूमों की जानें चली जाती हैं इसमें, जिनका उन आंदोलन से कोई वास्ता भी नहीं होता वो काफ़ी गलत हो जाता है। जिन लोगों ने ये शुरू किया वो अपने फ़ायदे के लिए शुरू करते हैं, और फिर आम जनता के दिमागों को वो इस तरीके से अपने वश में कर लेते हैं कि उसके बाद वो बिना कुछ सही सोचे समझे किसी पर भी ऐसे क्रोधित होने लगते हैं, तो वो काफ़ी गलत माहौल हो जाता है उस स्थिति में। आरक्षण मसला ही कुछ ऐसा है कि हर कोई अपने विचार आप तक पहुंचाना चाहता है, किसी के लिए ये ठीक है, किसी के लिए ज़रूरी है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूरी है। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि हर एक की नज़र में आरक्षण आखिर है क्या। आप क्या सोचते हैं कि आरक्षण आपकी नज़र में क्या है? मेरे नज़र में आरक्षण एक तरीका है जिसके माध्यम से लोग अपने मतलब बर्थ राइट कास्ट को यूज़ करके जॉब वैकेंसीज और कॉलेज में सीट्स क्लेम करते हैं। तो जो आपको लगता है कि समर्थ हैं, जिनके माँ बाप ने आरक्षण के बलबूते पर इतना अपने आप को सक्सेस कर लिया है कि उनके बच्चों को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए? जी नहीं, मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल भी आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए। जिनके पेरेंट्स को या दो जनरेशन पहले को आरक्षण मिला हुआ है उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है आरक्षण क्या है? जी बिल्कुल, मेरे को भी सेम यही लगता है कि आरक्षण वही है जो हम लोगों अपनी बर्थ राइट को यूज़ करके कुछ मतलब जाति के लोग अपना एक क्लेम रखना चाहते हैं सोसाइटी में, ताकि वो भी हमारे सब के सब सामान्य बैठे, सब सारी जाति सामान्य बैठे। बट मेरी नज़र में ऐसा है कि हम लोगों को हमारे कंट्री में ये बहुत गलत चीज़ होती है कि हम लोगों को ऑलरेडी जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है उन लोगों को वापस से मिलते जाता है। अगर हमारी कंट्री में ऐसा हो कि हम इकोनॉमिक बेसिस पे आरक्षण दें, ना कि हम जाति बेसिस पे आरक्षण दें, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। और जैसे कि मेरे दोस्त ने बोला कि पहले ही जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है, दो तीन पीढ़ियों की जिनको मिल चुका है, उनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें, एक टाइम के बाद जब आपको लगता है कि वो सक्षम हो चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर जी सकते हैं, तो उनका आरक्षण आप ऐसे इंसान को दीजिए जिसको ज़रूरत है, जो गरीब है, जो ऊपर नहीं उठ के आ पा रहा है। बिल्कुल सही, मतलब मैं इसी से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मतलब जो इकोनॉमिकली मतलब जो वीक है, मतलब हमारे माँ बाप ने, जैसे आजकल मैंने मतलब IIT में 14% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए। मतलब क्यों है रिजर्वेशन जब लड़कियाँ भी लड़कों की तरह ही पढ़ रही हैं, हमारे पेरेंट्स हमें वो सब फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो उनके पेरेंट्स दे रहे हैं, मतलब तो क्यों लड़कियों को क्यों रिजर्वेशन मिल रहा है? मतलब मैं तो ये भी बोलूँ, आई एम ऑल्सो अ गर्ल, बट स्टिल मैं बोलूँगी कि लड़कियों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। SC ST भी है, आई नो कुछ है, आई एग्री, जैसे साइड में जो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप खुद सोचिए, एक बंदा है जिसकी IAS में फर्स्ट रैंक है, उसके लड़की की भी फर्स्ट रैंक आ गई, उसके बाद भी रिजर्वेशन मिल रहा है, मतलब रिजर्वेशन चलता ही जा रहा है। जैसे नितिन ने बोला, मतलब मैं टोटली एग्री करती हूँ उस बंदे से कि एक वक्त के बाद रुक जाना चाहिए और वो ट्रांसफ़र किसी और को होना चाहिए जिसे ज़रूरत है सच में। मतलब मुझे लग रहा है कि इस चक्कर में सब लोग हम बाहर जा रहे हैं, मतलब हम पैक में पढ़ रहे हैं तो वी लाइक हम सोचते हैं कि थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप बाहर लग जाए, जॉब बाहर लग जाए, बस सेटल हो गए, हम तो इंडिया में रहना ही नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि जो लोग जिन्हें असली में नौकरी मिलनी चाहिए या
मतलब कॉलेज में आना चाहिए, उन्हें तो मिल ही नहीं रहा है, रिजर्वेशन लेके जा रहा है, ऊपर से उनकी फीस भी सब माफ़ है, मतलब बहुत ज़्यादा वो डिस्क्रिमिनेशन। कहीं ना कहीं जो टैलेंट है वो आरक्षण की वजह से बलि चढ़ रहा है, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा भी यही कहना है कि रिजर्वेशन से सिर्फ डिवीज़न हो रहा है कास्ट के बीच में और कुछ नहीं हो रहा। अगर हमें नुकसान हो रहा है जनरल वालों को कि हमें सीट्स नहीं मिल रही, तो जो रिजर्व्ड है उनको भी नुकसान हो रहा है, वो मेहनत करना भूलते जा रहे हैं कि कैसे करना है। मैंने खुद देखा है वो सीट ले लेते हैं कॉलेज में आके, लेकिन उनसे आगे नहीं होता। प्लस वन प्लस टू में वो ये सोच लेते हैं कि हमें तो मिल जाएगा लो रैंक पे भी, लेकिन आगे आके फिर उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत है, कहा जाए गरीबी आप कह लीजिए कि वो ट्यूशन्स नहीं लगा तो सकते हैं। चाहिए जिनको फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं मिली हैं, उनको अगर आगे चॉइस मिलेगी तो वो ज़रूर करेंगे, लेकिन जिनको फैसिलिटीज़ पहले भी मिल रही थी वो बिना मेहनत किए यहाँ आए हैं, तो आगे भी वो कुछ नहीं करेंगे। तो लड़कियों को जो आरक्षण मिला है जैसे कि मैम कह रही हैं, मतलब मेरे साथ है, मेरा मान लो भाई है, हम दोनों दे रहे हैं, हमें सेम घर में सेम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और हमारा सेम रैंक पे मेरा हो जाता है उसका नहीं होता, ये कहाँ फेयर है? अगर काबिलियत दोनों में एक है, दोनों के अंदर जो टैलेंट है वो एक है, पर फिर भी आरक्षण की वजह से जो दूसरा इंसान है वो मात खा जाए, ये कहाँ तक ठीक है? आरक्षण के मसले पर निचोड़ यही निकल कर आता है कि आरक्षण उनको दीजिए जिनको आरक्षण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण को बांटते जाए। हो सकता है कि कोई ज़रूरतमंद जो जनरल कैटेगरी में है, जिसको उसकी सख्त ज़रूरत है आरक्षण की, वो महरूम रह जाए उससे। ज़रा सोचिए कि किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है और किस कदर तक बदलाव की ज़रूरत है। अगर ये बदलाव आएगा तो भारत और खूबसूरत होगा, और अमीरी गरीबी की जो जात पात की जो बॉर्डर हमने खींच दी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। देखते रहिए आवाम की आवाज़। नमस्कार।